गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका बारबी एंड आई होप कि आप सब ठीक हो। सो आई एम बैक अगेन विद द न्यू सॉन्ग। आज मैं रियली एक मतलब न्यू सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट देने जा रही हूं, बिकॉज सब टाइप का सॉन्ग के ऊपर मतलब रिएक्ट देने की ट्राई करना चाहिए ना, तो इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम किसी भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट देने जा रही हूँ। तो आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द सॉन्ग जा जा जान बाई खेसरी लाल यादव, ऑफिशियल वीडियो लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, तो आई थिंक सबको पता है कि खेसरी लाल जी एक बहुत ही फेमस सिंगर है भोजपुरी सिंगर में से, तो मैंने सोचा कि आज खेसरी लाल जी का एक सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दे के स्टार्ट किया जाए भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग देख के तो मतलब ये पता चलता है कि शायद सैड सॉन्ग है, बिकॉज अब पहले ही केसरी लाल जी तो रोना स्टार्ट कर दिया। वॉइस बहुत अच्छा है। तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो, तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो, याद मत करी हम के भी सरई हो, अब जा 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 जान भुला जाई हो, अब जा 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 जैसा करनी वैसा कर दे हनी करे जा के तब ना जनलू कुछ हल चल के सारी के हाँ तुहरा के दे दे हनी करे जा काढ़ी के तब ना जनलू कुछ हल चल के सारी के जनलू कुछ हल चल खेसारी के जोहरी ले आईगा हम के पियाईगा अब जा 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 जान भुला जाईगा अब जा 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 जान भुला जाईगा। तो यार एक्चुअली मैं आज फर्स्ट टाइम किसी भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दिया हूँ,
तो मतलब सॉन्ग देख के ना मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ रियली, बिकॉज सॉन्ग का जो स्टोरी है वो मतलब इतना हार्ट टचिंग है, वो देख के तो मतलब सच में मेरे आंखों से मतलब आंसू आ गए, ठीक है। एंड खेसारी जी का जो मतलब वॉइस है ना वो भी बहुत अच्छा है। इससे पहले भी मैंने खेसारी जी का सॉन्ग मतलब देखा हूँ, बट कभी कोई मतलब सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन नहीं किया हूँ। तो आज ये सॉन्ग सुनने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए, बिकॉज सॉन्ग का स्टोरी जितना हार्ट टचिंग है ना, सॉन्ग भी उतना ही हार्ट टचिंग है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सॉन्ग, इसलिए मैंने इस सॉन्ग को चूज़ किया हूँ रिएक्शन देने के लिए। तो सॉन्ग का स्टोरी देख के तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस टाइप का है स्टोरी। एक्चुअली प्यार में धोखा जैसे होता है नॉर्मली, वैसा ही है सॉन्ग का स्टोरी। यार ये सबके साथ होता रहता है, पता नहीं क्यों, जो सच्चा प्यार करते हैं उसको प्यार नहीं मिलता है, एंड जो धोखा देते हैं ना उसके पास ही सब जाते हैं धोखा खाने के लिए, ठीक है। तो आई डोंट नो कि सबके साथ क्यों ऐसा होता रहता है। तो उसी टाइप, उसी रिलेटेड है सॉन्ग का स्टोरी। पहले खेसरी जी को धोखा दिया उस लड़की ने किसी और लड़का के लिए, एंड एंड में जाके वही लड़का किसी और लड़की के लिए उस लड़की को धोखा दे दिया। तो मतलब इसी टाइप का है स्टोरी। एंड एक बात तो सच है कि आप जिसके साथ जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा जरूर होगा, वो चाहे 1 मंथ के बाद हो या फिर 1 ईयर के बाद हो या फिर 10 ईयर के बाद हो, कभी ना कभी वो सेम स्टोरी आपके पास रिटर्न आएगा ही। वो मुझे पता है, इवन सबको पता है। तो इसलिए उस लड़की ने जैसा किया खेसरी जी के साथ, उसके साथ भी सेम वैसा ही हुआ। तो मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है। मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देख के ना, मैं तो मतलब रोना भी स्टार्ट कर दिया सॉन्ग को देख के, बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं किसी भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट देख के ना मतलब फर्स्ट टाइम ही फैन हो गई हूँ खेसारी जी का। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद भी मुझे भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट देना चाहिए। अगर ऐसा सैड सॉन्ग मिल जाए ना तो मैं पक्का जरूर मतलब रिएक्ट करूँगी भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर। सो आई होप कि आप लोगों को भी सॉन्ग अच्छा लगा होगा, बिकॉज इतना सैड सॉन्ग है, इतना तब तो सबको अच्छा लगना ही पड़ेगा ना। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।